यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मेरे मोहतरम वसी मोहम्मद साहब जी जाने से जाना देख लेना तीर दिए के लती दीजिए देख लेना देख लेना देख लेना तीर दी से देख लेना तीर दी से देख लेना तीर दी से ऊब जाएगी हवा। महफिल को चौंका देगा, इसलिए कि मैं एक अजीब सी बात करना चाह रहा हूं। खुर्शीद भाई, मेरे मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब ने बहुत ही शगुफ्ता माहौल बना दिया, आपको गजल के माहौल में उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया, और मैं आपके सामने एक सच्चे दो मिसरे पेश करना चाहता हूं। चाहता हूं, इसलिए कि आप लोग उस माहौल में आ गए हैं,
आ गए हैं जहां पर शायरी सुनी भी जा सकती है और सुनाई भी जा सकती है। एक शेर पढ़ता हूं। देखिए शायरी इशारे का नाम है। इशारे में अगर मैंने वो बात कह दी हो जो आपके दिल की है तो मेरी आवाज में आवाज न जाए। अभी तक शिकायत थी कि ये मोहल्ला बहुत बेदार है, इससे कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर तरफ से मुझे दुआएं मिल रही हैं और हर अच्छे शेर पर आपने मोहब्बतों से नवाजा। मैं पेश करता हूं ये शेर, खास तौर से यानी स्टेज जो मौजूद हैं बड़े ही मोहतरम मुन्ना शोरा इकराम मेहमानान, ये एक शेर आपको देना चाहता हूं दादा। मैं अपने हाथों से शराबों को जलाएगी हवा, जलाएगी हवा, देख लेना देख लेना, तीरगी से ऊब जाएगी हवा, ऊब जाएगी हवा। साल गुल शाखों से नोचेगी और उसके बाद फिर बहुत ही नाजुक सा ख्याल दोस्तों, बस मेरा साथ दे दीजिएगा इसे। सारे गुल शाखों
कई सी दुआएं हैं दाद बिना अच्छा भाई भाई बेबस दीवार से सर अपना टकराती रही सर अपना टकराती रही चाहती थी नखत चाहती थी वो के फिर लाशन न हो जाए मकान रोशन न हो जाए मकान चाहती थी वो के फिर चाहती थी वो कुछ गए थे